नमस्कार, न्यूज टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं दिव्या और आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। एमजीएम अस्पताल से नवजात की चोरी, घटना सीसीटीवी में कैद। स्थानीय लोगों की बहाली की मांग पर झामुमो का टाटा स्टील गेट पर जोरदार प्रदर्शन। बर्मा माइंस में युवक का अपहरण और हत्या मामले में दो गिरफ्तार। घर घर पोषण के नारे के साथ उपायुक्त ने अधिकारियों को दिलाई शपथ। और व्याप्त जन समस्याओं को लेकर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। अब एक आवश्यक सूचना। न्यूज टाइम्स में न्यूज रीडर की आवश्यकता है। 21 से 30 साल की युवतियां आवेदन कर सकती हैं। इसके लिए हिंदी का धारा प्रवाह और शुद्ध उच्चारण जरूरी है। इच्छुक उम्मीदवार न्यूज टाइम्स के कार्यालय में फोटो सहित बायोडेटा दे सकते हैं। अब खबरें विस्तार से। एमजीएम अस्पताल से बुधवार को एक नवजात बच्ची चोरी हो गई। हालांकि चोरी की घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। चाईबासा की नीरू पूर्ति को प्रसव के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मंगलवार को उसने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। उस नवजात को गोद में लेकर उसकी दादी अस्पताल के बरामदे में टहल रही थी। तभी एक महिला ने बातचीत के क्रम में मित्रता कर ली और झांसे में लेकर दादी को भीतर भेज दी और बच्चे को गोद में उठा लिया। लौटने पर उक्त महिला बच्चे समेत फरार थी। यहाँ पर बैठा था, वो बात कर रहा था। अच्छा। तो लोगों को बोला कि आज हुआ, तो ये बोला हाँ हुआ आज। तो बोला वो नीचे में वो देखे वहाँ पर साइन करने से आज ही पैसा मिल जाएगा बोला। तो मामला वो असल है कि बच्चे के परिजन आए थे मेरे पास, बच्चा चोरी हुआ है। तो हम जो यहाँ गार्ड भारी है, गार्ड है, उनको तो बुला के बोले कि सीसीटीवी फुटेज देख लो। और जो मामला सामने आया है कि जो बच्चे की दादी है उनसे किसी महिला ने दोस्ती की और बच्चा उसके गोद में दे करके वो कहीं से इसके गोद में दिया है। तो बाद में पता चला कि उसके लिए भी अनजान थी, उनको सावधानी बरतना चाहिए था, अपना बच्चा किसी गोद में नहीं कहना चाहिए। टाटा स्टील में स्थानीय लोगों की बहाली की मांग को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा उग्र प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जनरल ऑफिस गेट पूरी तरह बाधित रहा। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत जेएमएम द्वारा स्थानीय लोगों की बहाली की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। सभी नेता और कार्यकर्ता भारी संख्या में पारंपरिक ढोल नगाड़ों के साथ रैली की शक्ल में जनरल ऑफिस गेट पहुंचे। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी हुई और गेट पूरी तरह से बाधित रहा। कंपनी के सुरक्षाकर्मी के अलावा पुलिस भी सिर्फ मुख्य दर्शक बनी रही। इस प्रदर्शन को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि चुनाव से पूर्व पार्टी द्वारा शक्ति प्रदर्शन किया गया। बर्मा माइंस में एक 16 वर्षीय बच्चे का अपहरण और हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए जिला पुलिस ने दो आरोपियों को पकड़ा है। गत 16 अगस्त से लापता बर्मा माइंस के गत 16 वर्षीय लाखो सिंह का शव गम्हरिया से बरामद हुआ। पुलिस ने इस मामले में उस परिवार के परिचित बसंत उपाध्याय और मोहम्मद अफजल को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन दोनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। बर्मा माइंस थाना क्षेत्र से एक लखू सिंह करके एक व्यक्ति गायब थे जिनकी 19-20 वर्ष के करीब उम्र थी। वो अगस्त 2016 से गायब थे।
तो इस संबंध में उनकी माताजी के द्वारा परमा माइस थाना कांड संख्या 59/19 दर्ज कराया गया था, जिसके उद्भेदन के लिए सीनियर एसपी साहब के द्वारा सिटी एसपी सर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें सिटी डीएसपी, परमा माइस थाना प्रभारी और परमा माइस थाने के कुछ अफसर थे और सशस्त्र बल था। इस टीम के द्वारा बेहद प्रोफेशनल तरीके से काम किया गया और इसका अनुसंधान किया गया। अनुसंधान के क्रम में यह बात प्रकाश में आई है कि जो लखू सिंह थे उनके मित्र के द्वारा ही, मित्रों के द्वारा, तीन मित्रों के द्वारा मिलकर उनकी हत्या कर दी गई और हत्या करके उन्हें उनका शव जो है वो डैम में बहा दिया गया। तो जिसमें से बसंत उपाध्याय और अफजल, उन दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पोषाहार सप्ताह के तहत बुधवार को जिला मुख्यालय में उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने दीप जलाकर सभी अधिकारियों को शपथ दिलाई। घर घर पोषण नारे के साथ सरकार ने एक मुहिम चलाई है, जिसके तहत हर प्रखंड, हर पंचायत और हर गांव तक कर्मचारी बच्चों को पोषण देने की जानकारी पहुंचा रहे हैं। बुधवार को जिला मुख्यालय में पोषण सप्ताह के दौरान उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने दीप जलाकर सभी अधिकारियों को शपथ दिलाई कि एक भी बच्चा पोषण से छूटे नहीं। राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान, राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान मैं हर घर तक सही पोषण का संदेश पहुंचाऊंगा। सही पोषण का हक, पौष्टिक आहार, साफ पानी और सही प्रथाएं। मैं पोषण अभियान को एक देशव्यापी जन आंदोलन बनाऊंगा। जो इस महीने प्रारंभ हुआ है उसके अंतर्गत प्रत्येक दिन अलग अलग गतिविधियां पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर आयोजित करनी है, और इसमें मूलतः प्रयास यह है कि पोषण को लेकर के लोगों को जागरूक किया जा सके। और उसी क्रम में आज ये समाहरणालय परिसर में कैंडल लाइट के साथ ये आर्ट बनाया गया है, जिसके माध्यम से हम सभी लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि पूरे देश के लिए ये उतना ही महत्वपूर्ण है। शहर में व्याप्त जन समस्याओं को लेकर आम आदमी पार्टी जमशेदपुर महानगर द्वारा प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। उनकी 6 सूत्री मांगों में असाध्य बीमारी योजना के लिए आवासीय प्रमाण पत्र मैन्युअली निर्गत करने, जमशेदपुर का पुनः सर्वे कराया जाए आदि शामिल है। हमारी मांग ये है कि राज्य सरकार, जो रघुवर सरकार है, वो जन समस्याओं को लेकर बहुत ही उदासीन है। लोग, निम्न वर्ग और मध्य वर्गीय लोग इस सरकार से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये सरकार बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं ला पा रही है, लेकिन झारखंड की जनता से की पॉकेट की डकैती कर रही है ये सरकार। खरंगा झाड़ से पिछले दिनों विस्थापित दुकानदारों ने बुधवार को जिला मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए पुनर्वास की मांग की है। उनका नेतृत्व भाजपा जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार कर रहे थे। वन विभाग के जमीन के आसपास अपने नियमित रूप से सब्जी विक्रेताओं के द्वारा 40 वर्षों से सभी लोगों के माध्यम से सब्जी की दुकानें लगाकर अपनी जीविकापार्जन की जा रही थी, और लगातार फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों के माध्यम से उन्हें भयभीत करते हुए उनको अपने स्थान से हटाने का काम, उस क्षेत्र को बाउंड्री करना और ऐसे तमाम विषयों को लेकर पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से DDC को अवगत कराया गया था। मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी शाखा द्वारा 21 सितंबर को रंगीलो रास नामक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बॉलीवुड की अदाकारा नेहा चौहान प्रमुख तौर पर मौजूद रहेंगी। इस बाबत एक प्रेस वार्ता के जरिए जानकारी दी गई। पारुल चेतानी, मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी सुरभि शाखा की अध्यक्षा। मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी सुरभि शाखा द्वारा 21 सितंबर को बॉलीवुड दानी धमाल का कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है रंगीलो रास के नाम से। यह कार्यक्रम सुरभि शाखा द्वारा पहली बार की जा रही है और मैं ये कहना चाहूँगी कि जमशेदपुर का सबसे बड़ा डांडिया प्रोग्राम ये रंगीलो रास होगा, जो पहली बार हमारी शाखा द्वारा कराई जा रही है। वहीं दूसरी ओर गुजराती सनातन सहेली द्वारा 6 व 7 सितंबर को
उन्नति मेला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कुल 26 स्टॉल्स लगाए जाएंगे। गुजराती सनातन शैली उन्नति मेला आज पिछले 6 वर्षों से कर रही है। ये हमारा 6वां वर्ष है उन्नति मेले का, और ये हम अपने समाज की महिलाएं या और दूसरी महिलाओं के लिए, उनके व्यवसाय के विकास के लिए, उनके प्रचार के लिए यह हमने आरम्भ किया है। और ये मेला हमारा बहुत ही सफल होता है। इस मेले में हमारे यहाँ विभिन्न तरह की सब चीज़ें रहती, ज़्यादातर हमारी महिलाएं अपने हाथ से बने हुई चीज़ें को ज़्यादा उपयोग में लाती हैं और ज़्यादा वो सेल करती हैं। जीवन बीमा निगम की 63वीं जयंती के अवसर पर बिष्टुपुर कार्यालय परिसर में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। भारतीय जीवन बीमा निगम के 63वीं जयंती पर तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जो सप्ताह भर चलेंगे। बुधवार को बीमा कार्यालय परिसर में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने लाभ उठाया। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। वॉन्टेड इमीडिएटली एरिया वाइज फ्रेंचाइजी एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर पीसीडी सीएनएफ फॉर स्पेक्टेकुलर स्पेक्टिकल्स फ्रेम्स एंड सनग्लासेस। मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम प्रॉफिट। ग्रीन आई ऑप्टिक मार्केटिंग डिवीजन 12 पोलक स्ट्रीट फर्स्ट फ्लोर रूम नंबर 27 केनिंग स्ट्रीट कोलकाता। कॉन्टैक्ट 9732621182 7384860988। युवा कर्मठ और जुझारू नेता शंभु चौधरी आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जनता की आवाज बनकर उनको हक दिलाना, गरीब और जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले शंभु चौधरी को लोग भविष्य का प्रतिनिधि के तौर पर देखते हैं। मानगो नगर निगम घोषित करने को लेकर शंभु चौधरी ने जोरदार आंदोलन की शुरुआत की थी, साथ ही मानगो की अंचल बनाने में भी उनकी अहम भूमिका रही। उतना ही नहीं, सैकड़ों गरीबों को पेंशन और स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने में शंभु चौधरी ने दिन रात मेहनत की। गरीब गुरुओं की सेवा के लिए हरदम तत्पर रहने वाले इस युवा और हर दिल अजीज नेता के लिए हर राजनीतिक दलों के दरवाजे खुले हैं, पर इन्होंने आम आदमी पार्टी को अपनाया। मानगो क्षेत्र की जनता के लिए लगातार संघर्ष करने वाले शंभु चौधरी ने अपना अलग मुकाम बनाया है और क्षेत्र की जनता को उन पर अटूट विश्वास है। फिलहाल मानगो में नगर निगम चुनाव कराने की मांग को लेकर शंभु चौधरी आंदोलनरत है। बहरहाल हर दिल अजीज और जनता के लिए हर वक्त उपलब्ध रहने वाले ऐसे जुझारू युवा नेता की जरूरत लोगों को है, जो उनकी आवाज बनकर उचित फोरम में उठा सके और लोगों को न्याय दिला सके। मानगो क्षेत्र की जनता को शंभु चौधरी से काफी उम्मीदें हैं और शंभु चौधरी में इन उम्मीदों पर खरा उतरने का जज्बा भी है। अर्जुन स्टोर पेश करते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ ऑल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स अंडर वन रूफ। कॉस्मेटिक व अन्य घरेलू सामानों के अलावा यहाँ हर उम्र के लोगों के लिए जूते चप्पलों के साथ रेडीमेड कपड़े भी उपलब्ध हैं। नवरात्र के मौके पर एक ही छत के नीचे, वो भी किफायती मूल्य पर। फिलहाल यहाँ कपड़ों व जूतों पर 20-25% तक की छूट भी दी जा रही है। सुपीरियर क्वालिटी सही माप के साथ अर्जुन स्टोर सुपीरियर लाइफस्टाइल एसी शॉप। स्टेप इन टू द मेट्रो लाइफस्टाइल। ले सकते हैं मजा सेल्फ सर्विस मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स का। वर्ल्ड इज चेंजिंग, ऑब्वियसली वी हैव टू चेंज फास्टर अहेड। बदल दे आपके भागदौड़ भरी जिंदगी को अर्जुन स्टोर कंप्लीट सॉल्यूशन। यही है समय की मांग। ग्रोसरी, कॉस्मेटिक, शैम्पू, सोप, डीओ, बिस्किट्स एंड ऑल पैकेज्ड आइटम। अर्जुन स्टोर प्रेजेंट प्रोडक्ट्स फॉर होम अप्लायंसेस। 3 किलोमीटर तक होम डिलीवरी भी की जाती है। क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड ऑल्सो एक्सेप्टेड। अर्जुन स्टोर श्री मंगल टार
16 मेन रोड कदमा मार्केट नियर बीना पानी नर्सिंग होम। कॉन्टैक्ट 0657-230-5485 एंड 9835171755। शानदार इंटीरियर, बेहतरीन डिजाइन, हर तरह की सुविधाओं से लैस थ्री बीएचके फ्लैट के प्रत्येक बुकिंग पर 5 लाख का डिस्काउंट एवं 3 एसी फ्री विथ पार्किंग। तो फिर इंतजार किस बात का, आज ही कॉन्टैक्ट करें AR Constructions, गोलमुरी नियर गुरुद्वारा जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 9934968090 9507308272। गायत्री शिक्षा निकेतन CBSE affiliated, आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन अनुशासन के साथ पठन पाठन में अव्वल, हर वर्ष 100% रिजल्ट का रिकॉर्ड, वेल ट्रेन्ड और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, नर्सरी से प्लस टू तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अभिवंचित वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीट आरक्षित। गायत्री शिक्षा निकेतन के संस्थापक सह चेयरमैन योगेंद्र प्रसाद यादव ने 1993 को मात्र 7 बच्चों के साथ स्कूल की शुरुआत की। उनकी मेहनत, लगन और लोगों के विश्वास से स्कूल पूरे राज्य में अव्वल। गायत्री शिक्षा निकेतन, रोड नंबर 4, आदित्यपुर 2, नियर 111 सेव लाइफ हॉस्पिटल। फोन 0657। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। डकेडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031612032। सिटीज लाइफ, सिटीज लाइफ होलसेल बाजार पूरे परिवार के लिए। अब अच्छे दिन आ गए हैं। जमशेदपुर में होलसेल रेट पर कपड़ों की करे खरीदारी, बेहतर से बेहतर डिजाइन एवं स्टाइलिश क्लॉथ खरीदें, वे भी बाजार से कम कीमत में। आया जमाना नारियों के आजादी का, हम भी देते हैं साथ। एक से बढ़कर एक डिजाइनों के साड़ियां लेकर, चाहे लेनी हो बनारसी साड़ी, कांजीवरम, तांत, जामदनी, सिल्क, कॉटन साड़ी या फिर फैंसी साड़ी, सभी के कलेक्शन का है विशाल भंडार। बच्चों के जींस, टी शर्ट, शर्ट, शेरवानी, बच्चियों के लिए भी है खास फ्रॉक, कुर्ती, सूट, टी शर्ट, जींस फॉर जेंट्स, सूट, शेरवानी, कैजुअल, फॉर्मल एवं पार्टी वियर शर्ट के हैं कई वैरायटी। फॉर लेडीज सलवार सूट पीस, कुर्ती, सूट, लहंगा और साथ में है फैंसी टॉप। रिश्ता क्या कहलाता है, साथियां
काला टीका जैसे मशहूर सीरियल के साड़ियां एवं लहंगा चुन्नी भी मिलते हैं। सिटीज लाइफ, जहां है सभी के लिए कुछ न कुछ। तो करनी हो खरीदारी पूरे परिवार के लिए, एक बार अवश्य आए सिटीज लाइफ, स्टेशन रोड अपोजिट पानी टैंक, जुगसलाई, जमशेदपुर। चेन्नई बाजार, जी हाँ, आपके शहर में चेन्नई बाजार, अ यूनिट ऑफ ड्रेस मास्टर, रेडीमेड वस्त्रों का भंडार। शादी ब्याह हो या जन्मदिन, उत्तम क्वालिटी वाजिब मूल्य, शूटिंग शर्टिंग और कैजुअल वेयर, पार्टी वेयर की ऐसी वैरायटी जो आपको बार बार खींच लाए, क्वालिटी से नजरें न हटे। त्योहारों में अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य पधारे। लहंगा चोली की दिलकश कलेक्शंस, इतना ही नहीं, अंडर गारमेंट्स और ब्राइडल वेयर का ऐसा भंडार जो आपको बार बार खींच लाए। चेन्नई बाजार, हाउस नंबर 234, ए ब्लॉक, अपोजिट एमबी ज्वेलर्स, मेन रोड सोनाई। कॉन्टैक्ट 9334617289, 9304249768। अगर एक सुंदर सुसज्जित घर की कल्पना हम करें तो सबसे पहले हमें किसका ख्याल आता है? जी हाँ दोस्तों, यकीनन उस घर का खूबसूरत फर्नीचर ही हमें सबसे पहले लुभाता है। तो घर की खूबसूरती का ये ऑल टाइम सुपरहिट कल्चर आप भी अपनाइए। सर्वोत्तम क्वालिटी के बेहतरीन फर्नीचर्स के लिए शर्मा फर्नीचर में आज ही चले आइए। एक से बढ़कर एक आकर्षक रंगों तथा डिजाइनों वाले सोफों की शानदार चॉइस हो, या फिर आपकी पसंद के अनुरूप मजबूत टिकाऊ और आरामदायक बेड्स की आपकी फरमाइश हो, चाहे हो नए जमाने की सुविधा संपन्न और मॉडर्न ड्रेसिंग टेबल, या फिर पूरे परिवार की मजेदार डाइनिंग के लिए सुंदर डाइनिंग टेबल, बेहतरीन कारीगरी के सांचे में ढला यहाँ का हर आइटम और बनावट की लाजवाब खूबसूरती यहाँ के हर सेट पर। पूरे विश्वास के साथ ले जाएं आप अपनी पसंद का कोई भी फर्नीचर, जी हाँ, होलसेल रेट पर। पारंपरिक डिजाइन हो या फिर नए जमाने का चलन, डोमेस्टिक फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, स्मार्ट फर्नीचर और मॉड्यूलर किचन, आपकी संतुष्टि ही हमारी सेवा की गुणवत्ता। पाए होम डिलीवरी और मनचाहे फाइनेंस की भी पूरी सुविधा। अब हमारे प्रिय ग्राहकों के लिए एक बड़ा ही अद्भुत ऑफर, बिल्कुल अलबेला, हर रविवार आपके लिए लोन मेला, क्योंकि आपके घर की खूबसूरती का ध्यान हम रखते हैं। शर्मा फर्नीचर, हम रिश्तों का पूरा सम्मान करते हैं। शर्मा फर्नीचर, प्लाजा मार्केट के सामने, टेल्को जमशेदपुर, फोन 9102374035। गौसे आजम आयुर्वेदिक दवा खाना, सोनारी मस्जिद रोड, नौशाद रजा, स्पेशल इन सेक्सुअल डिजीजेस, हर तरह के रोगों का अचूक इलाज, निसंतान पति पत्नी अवश्य मिले, जड़ी बूटियों से 100% औलाद की गारंटी,
इसके अलावा हर तरह के रोगों का शर्तिया इलाज। 1000 से ज्यादा लकवाग्रस्त रोगी तंदुरुस्त हुए। मैं यहाँ 20 साल से हिकमत कर रहा हूँ, सुनारी ठुंका डी मस्जिद झारखंड में, है ना। और हमारे यहाँ से सैकड़ों बल्कि हज़ारों लोग कामयाब हुए हैं। ख़ास करके मैं सेक्स से ताल्लुक सभी बीमारियों का इलाज करता हूँ। उसके अलावा औलाद के लिए तो हमारे पास बहुत सारे स्टेट से लोग आते हैं। नौशाद रजा, स्पेशलिस्ट इन सेक्सुअल डिजीज, एड्रेस खूडा डी मस्जिद, सोनारी, जमशेदपुर। देखिए, और खास करके पति पत्नी जो औलाद के इच्छुक हैं, जब किसी भी सब तरह का समस्या हो, कीटाणु ना हो या बिल्कुल खत्म हो गया हो, वो सबका कामयाब ग्रांटेड इलाज किया। टाइम 10:30 AM टू 12:30 PM एंड इवनिंग टाइम 5 PM टू 9 PM। कॉन्टैक्ट 9934185192। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। मिथिला सांस्कृति परिषद द्वारा एक मांग पत्र उपायुक्त को सौंपते हुए गोविंदपुर में परिषद की भूमि पर जबरन प्राथमिक विद्यालय द्वारा कब्जा करने की शिकायत की गई है। उन्होंने बच्चों के भविष्य की दुहाई देते हुए ठोस कार्रवाई की मांग की है। मिथिला सांस्कृतिक परिषद विगत 20 वर्षों से विद्यापति मध्य विद्यालय छोटा गोविंदपुर का संचालन प्रबंधन करती आ रही है। विगत 30 वर्षों से विद्यालय को दिया गया एक भवन, जो तत्कालीन मुखिया श्री सिद्धिनाथ सिंह जी ने पंचायत समिति के अनुशंसा पर विद्यालय को जवाहर रोजगार योजना से बनवा कर दिया था, उसको जो है कुछ स्वार्थी तत्व के लोग और वहाँ के जो पूर्व के हेडमास्टर थे वो अनैतिक कार्यों में लिप्त थे, और उनके अनैतिक कार्यों में लिप्त रहने के जो सहयोगी थे उनके द्वारा मुख्यमंत्री जनसंवाद में जो है सो प्रश्न उठवाकर जबरदस्ती उसको जो है, जिसके संबंध में सीओ ने अपना जांच रिपोर्ट ऑलरेडी 2017 में ही सबमिट कर दिया। चलते चलते फिर से एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। एमजीएम अस्पताल से नवजात की चोरी, घटना सीसीटीवी में कैद। स्थानीय लोगों की बहाली की मांग पर झामुमो का टाटा स्टील गेट पर जोरदार प्रदर्शन। बर्मामाइंस में युवक का अपहरण और हत्या मामले में दो गिरफ्तार। घर घर पोषण के नारे के साथ उपायुक्त ने अधिकारियों को दिलाई शपथ। और व्याप्त जन समस्याओं को लेकर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।